हाँ मैडम, आपको मुझसे क्या बात करनी थी जो थाने में नहीं हो सकती थी? जो तुम कर रहे हो ना बिल्ले, सही नहीं कर रहे हो. सही नहीं कर रहा हूँ? आइसक्रीम तो सब खाते हैं मैडम. हम कंगाल खोपड़ी, हम आइसक्रीम का बात नहीं कर रहे हैं. फिर जब पुष्पा जी कह रही थी थाने में कि उनको केस सॉल्व करना है, तो तुमने उनका मजाक उड़ाया. तुम उन पे हंसे काहे? नहीं वो काका हंसे थे तुम. आप भी हंसी थी. हाँ, हमारा तो फ्लो में निकल गया था हंसी. हाँ, तो हमारा भी फ्लो में निकल गया था. छोड़ा, यही सजा तुम्हारा, नहीं मिलेगा तुमको आइसक्रीम, जाओ. अरे कैसे, मतलब हम पुष्पा जी के लिए, मतलब उन पर नहीं हंसे थे हम, आप पर हंसे थे. तुम हम पर हंसे थे काहे? वो जोकर है क्या? काहे हंसे फिर? क्या कार्टून देखते तुमको जो तुम हम पर हंस गए थे? हाँ, बहुत तुम्हें हंसने का बहुत मन करता ना. अब तुम ये दोनों आइसक्रीम के पैसे तुम भरोगे. और सुनो, जिनको भी आइसक्रीम खानी है सब आइए, एक घंटे तक ये आदमी सबके आइसक्रीम के पैसे देगा फ्री सबको. मैडम देखिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है. क्यों कर रही है आप ये कंगाली में दिवाली क्यों मनवा रही है? ये दांत फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना. हमार पुष्पा जी, कितना मन है उनका एक केस सॉल्व करने का, कब से कह रही है वो, और तुम मजाक उड़ा रहे थे उनका. हौसला बढ़ाना चाहिए हमें, उनका विश्वास दिलाना चाहिए कि वो केस सॉल्व कर सकती है. पुष्पा जी कुछ भी कर सकती है, समझ रहे हो बात को तुम? हाँ, कुछ भी. पैसा दो जाओ. मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है. ओ मैडम निकलो ना, देखो कितना पैसा दो. पुलिस को बुलाओ वरना ये लड़की दोबारा भाग जाएगी. चोर है ये लड़की. पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी, कब से बदतमीजी किए जा रहे हैं आदमी. अरे यार बड़ी बेगैरत लड़की हो तुम. अरे मियां कब से कह रही है पुलिस को? हाँ, का चल रहा है ये, का हो रहा है ये सब? हाँ कब से? अब तुम बैग छोड़ो सबसे पहले. अब बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, ये जो लड़की है ना, ये चोर है. हमारी ज्वेलरी शॉप है कानपुर में, और उसी ज्वेलरी शॉप में 2 साल पहले ये काम किया करती थी. और हमारी ज्वेलरी शॉप से हमारी ज्वेलरी लेकर ये हो गई रघु चक्कर, और आज इतने टाइम बाद ये लखनऊ में यहाँ हमें नजर आई. हमने दर दबोचा इसे. देखिए मैडम, इसे छोड़िएगा मत, इसे कर लीजिए आप गिरफ्तार, और हमारी ज्वेलरी हमें दिलवा दीजिए वापस. अरे कौन सी दुकान, कौन सी ज्वेलरी, झूठ बोल रही है आदमी, मैं इसे जानती तक नहीं मैडम. अच्छा जी, मतलब हमारी दुकान, हमारी ज्वेलरी, और झूठ भी हम ही बोल रहे हैं, बताओ. अरे मैडम झूठ ये लड़की बोल रही है. अच्छा निधि नाम है इसका, पूछ लीजिए. ओ हेलो, मेरा नाम निधि नहीं है, मेरा नाम शिवानी है. शिवानी, तू बताइए किसी ने अपना नाम ही बदल लिया. अरे मोहतरमा ये बताइए कि अब किसको लूटने की तैयारी है आपकी? ए जबान संभाल के, हाँ बहुत हो गई तेरी बदतमीजी. मैडम मैं नहीं जानती किस निधि के साथ इसका क्या प्रॉब्लम है, पर मेरा नाम शिवानी है और मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ. अच्छा चलिए फिर पुलिस स्टेशन. हाँ तो चलिए, हम किसी से डरते थोड़ी ना है मियां, चलिए. मैडम सर डीएसपी सर मिलते हैं. डीएसपी सर भांग पीकर मैडम सर को प्रपोज करते हैं. मैडम सर हाँ बोल देती है, दोनों हैप्पी. अगले दिन जब नशा उतरता है भांग का, तब मैडम सर डीएसपी सर को साफ साफ ना बोल देती है. दोनों फिर से सैड. ये इतनी कंफ्यूज लव स्टोरी है पुष्पा जी, आजकल तो टीनेजर्स की भी ऐसी नहीं होती है. कहीं मैडम सर को किसी और से तो प्यार नहीं हो गया? बट टीवी सीरियल नहीं है ये, जो एक पसंद नहीं आया तो दूसरा लगा लिया. बाप रे बाप, यार जो जीवन में सिर्फ एक बार ही होता है, जैसे हमें हमारे लल्ला के पप्पा के साथ हुआ. और मैडम सर और डीएसपी सर को देखकर लगता ही है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने. बस जरूरत है तो दोनों को अपना अपना अहंकार छोड़कर एक दूसरे को अपनाने की. और ये काम करेंगे हम, उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे. कैसे पुष्पा जी? कैसे? कैसे आप दोनों को करीब लाएंगे? किसे करीब लाने की बात हो रही है? जय मैडम सर. हम बताते हैं, चीते और संतू का टेबल देखिए ना. हाँ ये रहा चीते का टेबल, और वो वहाँ संतू का टेबल दूर है ना, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि दोनों का टेबल अगर नजदीक लाएंगे तो काम जल्दी जल्दी. हाँ मैडम सर, हमको संतू जी से कुछ बोलना होता है ना, तो हमको संतू जी को वायरलेस करना पड़ता है. बोलिए ना, एक ही थाना में कोई इतना दूर दूर कोई से टेबल जमाता है कोई? नहीं बात कुछ और है. संतोष का पेट दुख रहा है, सच बताओ. आज से डीएसपी सर का कोड नेम है कटहल.
हम बताते हैं। वो क्या है, हम कह रहे थे कि आपको और कटहल को नजदीक लाएंगे। आपको कटहल पसंद नहीं है ना, तो अगर आप दोनों को करीब लाएंगे तो शायद आप कटहल को पसंद करने लगेंगी। वो हम ऐसे आ रहे थे, यही बात कर रहे थे ना बेटा। देखिए हाँ कह रही है। चलिए आइए 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 आइए। लो जी आ गए हम पुलिस थाने में, कटहल में बात करनी। ये शिवानी है। देखिए हम कह रहे हैं कि ये निधि है। ये कह रही है कि ये शिवानी है और ये कह रहे हैं कि ये निधि है, तो मैडम सर आप समझ लीजिए। कहना क्या है मैडम, मैं शिवानी ही हूँ। अरे हम कह रही है कि ये निधि है, निधि है तो निधि है। तो कर लो कर लो। नहीं तुम ही बात कर लो ना, जब हम बात कर रहे हैं तो काय लबर लबर कर रहे हैं बीच में आप। एक मिनट, शांत शांत हो जाइए। चलिए केबिन में बैठकर बात करते हैं। आइए। सो मिस्टर अमित, आपके पास कोई सबूत है कि ये शिवानी नहीं है निधि है? जी हाँ बिल्कुल है। ये देखिए, ये आप हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं कभी कानपुर गई नहीं। मैं निधि नहीं हूँ, मैं शिवानी हूँ मैडम, शिवानी वर्मा। साबित कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ मैडम। ये देखिए मैडम, मेरा आईडी कार्ड। संतोष वेरीफाई करो। मैडम सर ये सही कह रही है, ये शिवानी वर्मा ही है। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मोहतरमा, एक आईडी तो इनकी हमारे पास भी है, अभी आपको दिखाते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि ये निधि है। ये देखिए। स्ट्रेंज मैडम सर, ये भी जेन्युइन है क्या? एक ही इंसान के दो दो आईडी कैसे हो सकते हैं? मैडम अलग अलग इंसान की अलग अलग आईडी, पर इत्तेफाक से दोनों की शक्लें सेम है। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं निधि विधि नहीं हूँ, मैं शिवानी वर्मा हूँ। मैं ऐसा गैर कानूनी काम क्यों करूंगी मैडम, जबकि मैं खुद पुलिस ज्वाइन करने वाली हूँ। मैडम मैंने तो खुद कांस्टेबल रैंक का राइटिंग एग्जाम क्लियर किया है कुछ दिन पहले। अरे वाह, ये देखिए मेरा ऑनलाइन रिजल्ट। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है मैडम। देखिए देखिए प्लीज, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज रिलैक्स। संतोष पानी। उफ, ये मासूमियत। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आप फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि कोई लड़की इस तरह के प्रोफेशन को चूज कर रही है। ये इस बात को प्रूफ करता है कि जमाना वक्त दुनिया सब कुछ बदल रहा है, लड़कियां भी अपनी कैपेबिलिटी पहचान कर महिला फोर्स ज्वाइन कर रही है और इस फोर्स को और ज्यादा मजबूत और काबिल बना रही है। गुड, थैंक यू मैडम। सो मिस्टर अमित, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस लड़की ने आपकी ज्वेलरी शॉप से चोरी की हो उनकी शक्ल इनसे मिलती हो। हो सकता है कि ये सच में शिवानी हो, निधि ना हो। ये सही है, पुलिस की एक परीक्षा क्या पास कर ली इन्होंने, इनके तो सारे पाप ही धुल गए। वैसे भी महिला थाना है, महिलाओं की ही सुनी जाएगी यहाँ। हम तो ठहरे जटेंस का जनेट्स, मर्द मर्दों की कहाँ सुनी जाएगी यहाँ। अम्मा चुप, कब से बकैती किए जा रहे हो तुम? मैडम सर ने अपना एक संभावना व्यक्त किया है, तुम का ये जनेट्स और महिला को बीच में घुसा रहे हो। आवाज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा, आवाज निकला ना तो फिर ऐसा मार लगाएंगे कि मुंह से कोई आवाज निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत इंसाना देखा, समझ गए? करिश्मा सिंह प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर अमित देखिए, हम पूरा इंसाफ करेंगे, किसी के साथ भी हम गलत नहीं होने देंगे, ठीक है? अब निश्चिंत होकर घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए अब आप इतना जोर देकर कह रही हैं, तो फिर हम चले जाते हैं, कर लेते हैं तैयार, कोई बात नहीं, मिलते हैं निधि। हाँ कटो कटो। तो शिवानी, राइटिंग एग्जाम्स तो तुमने सारे क्लियर कर दिए, आई एम श्योर फिजिकल टेस्ट की तैयारी चल रही है।
हम बस इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में अगर थोड़ी सी मदद चाहिए हो तो हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा तुम्हारी मदद करेंगी। अपने सारे एग्जाम्स इन्होंने फर्स्ट रैंक से पास किए थे। आई एम श्योर इनसे अच्छा गाइडेंस तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी मदद कर सकती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम। कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम? कल सुबह 7 बजे से। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं कई सालों से ये सपना देख रही थी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, ये वर्दी पहनने का, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। जरूर पूरा होगा। देखो बड़ी बात पहुंचना नहीं निकल पड़ना है, और वो हिम्मत तो तुम दिखा चुकी हो। अब निकल पड़ी हो तो तुम पहुंच भी जाओगे, बस चंद कदम और। थोड़ी देर संतु के साथ बैठो, कुछ सीखो, कुछ समझो। चाय पियोगी तुम? हम चाय मंगाते तुम्हारे लिए। जी आइए। बहुत बुरा हुआ भाई, एक और चाय पियोगे? पियो ना भाई, चाय लेके आओ। अरे यार कितनी चाय पीऊं यार मैं, है? सुबह से ये बोलकर बिठा रखा है कि तुम निधि को सजा दिलवाने में हमारी मदद करोगे यार, इस चक्कर में सुबह से 20-22 चाय पिला दी यार तुमने। पेट में एसिडिटी के मारे ज्वालामुखी फट रही है यार। कोई आइडिया बताओ जिससे पुलिस हमारी मदद करे। आइडिया है? हाँ हाँ रुको बताते हैं। सुनो ये थाना देख रहे हो, इसमें से अभी हसीना मैडम बाहर आएंगी, सब उन्हीं के हाथ में, ठीक है? बस तुम जाकर उनको यकीन दिला दो कि जिस लड़की के बारे में तुम बता रहे हो वो वही है, और उनको यकीन हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। वो देखो देखो आ रही, जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी। अम्मा मियां ग्लास तो रखे जाओ। मैडम मैडम तुम अभी तक यहाँ? देखिए हम आपसे कह चुके हैं कि मैडम देखिए मैं क्या कह रहा था, ये एक बार एक सेकंड के लिए हमारी बात सुन लीजिए बस। हम मानते हैं कि हमें गलतफहमी हो सकती है कि जो अंदर लड़की है वो शिवानी नहीं निधि है, लेकिन अगर कहीं वो निधि ही हो तो क्या पता वो आपका हमारा सबका बेवकूफ बना रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए मैडम हम ये कहना चाह रहे थे कि एक बार हमारी तसल्ली के लिए आप एक बारी और कंफर्म कर लीजिए कि वो जो अंदर लड़की है वो शिवानी है ना। कर तो लिया हमने कंफर्म, आपके सामने उसका आईडी वेरीफाई तो किया। देखिए आईडी वेरीफाई हुई हा? लेकिन हमारी तसल्ली तो नहीं हुई ना। अब आपको तसल्ली कैसे होगी? इधर आइए ना जरा। देखिए मैडम जी हमारी तसल्ली तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। आपने तो देखा ही है कि निधि दिखने में कितनी सुंदर दिखती है। नहीं नहीं मतलब हमारा मतलब है जो अंदर लड़की है वो शिवानी हो सकती है। हम जिसकी बात कर रही है ना वो निधि, वो दिखने में जितनी सुंदर दिखती थी ना उसी कारण दिन में 2-4 लड़के तो उसे ऐसे ही शादी के लिए प्रपोज कर लिया करते थे, और वो इन प्रपोजल को बड़ा स्मार्टली टाल दिया करती थी। पूछिए कैसे? कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही उसको कोई लड़का प्रपोज करता था वो उसे शायरी सुनाकर टाल देती थी। क्या? जी हाँ शायरी सुनाकर, जैसे कोई लड़का उसे प्रपोज करता है वो यही शायरी सुनाती है उसे कि आप दिखने में तो हैं बहुत ही अच्छे जैसे खाने के बाद रस मलाई, लेकिन माफ कीजिएगा आप वो नहीं है जिससे हमने आस लगाई। गौर फरमाइएगा कि कोई बात नहीं जो आप ना बन पाए मेरे पापा के जमाई, लेकिन आज से मैं आपकी बहन और आप मेरे भाई। क्या खौफनाक शायरी है यार ये। चुप रहोगे तुम दोनों? एक मिनट अमित, आप ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? देखिए मैडम हम इसीलिए बता रहे हैं कि इंसान खुद को जितना मर्जी बदल ले, लेकिन अपनी जो फितरत होती है ना वो कभी भी नहीं बदल सकता। तो हम ये चाह रहे थे कि आपकी तरफ से कोई जाकर उसको प्रपोज कर दे और बदले में वो यही शायरी पहन देगी, बस तभी साबित हो जाएगा कि वो निधि ही है। हमारी बात सुनिए। देखिए हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, जो चोरी हो गई ना हमें उसका गम नहीं है, लेकिन हमें गम इस बात का है, सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि एक लड़की 2-2 बार हमारा बेवकूफ बना के चली गई। तो प्लीज मैडम एक बार आप हमारी ये वाली बात मान लीजिए, और कसम से माँ कसम अगर वो लड़की शिवानी निकली ना तो हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, कभी नजर ही नहीं आएंगे, बता रहे।
जैन मैडम सर आप हमको बुलाएं? हाँ चीता चतुर्वेदी, एक बात बताओ, तुमने कभी किसी को प्रपोज किया है? मैं किसी लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है? मैडम सर जितना पूछे उतना जवाब दो। रखे हैं मैडम सर, सपना में तो कई बार रखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमारा हिम्मत जाते हैं तो फूस हो जाता है। एक काम करो, प्रपोज करके दिखाओ, हमें प्रपोज करो। भगवान कसम मैडम सर, कभी भी हम आपको ऐसा नजर से नहीं देखे मैडम सर, लेकिन आप हमको ऐसे कहीं देख रही मैडम सर। क्या बकवास कर रहे हो चीता चतुर्वेदी, अमित और शिवानी के केस में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम बस ये देखना चाहते हैं कि तुम कितना कन्विंसिंगली और कितना जेन्युइनली किसी को प्रपोज कर सकते हो। तुम्हें एक लड़की को प्रपोज करने का नाटक करना है। मैडम सर हम तो डर ही गए थे, नाटक करने? अरे नाटक तो बहुत जोर से करते हैं हम। अब देखिए आप, मानिए कि हम लड़का हैं, हमको प्रपोज करना है, आप लड़की हैं, तो देखिए हम प्रपोज कर रहे हैं कि जब से हम तुमको देखे हैं हमारे दिल के कुकर में प्यार का सीटी करके बजने लगा है, हमारे मन के चूल्हा पे अरमान का दाल गलने लगा है, सपना के राजमा में शादी का छौंक बार बार लग रहा है, प्यार का दूध ऐसे उबल रहा है, दिल का रोटी जलता जा रहा है, जूसर के सपना में इमोशन। अरे इम्प्रेस हो गई आप, तीन लाइन और मार देते ना मैडम सर आप शादी के लिए तैयार हो जाती। ये कहां से रे? क्या बाबा, ये क्या बकवास प्रपोजल था चीता चतुर्वेदी? प्रपोज कर रहे हो या रसोई का दर्द बांट रहे हो? जाओ ठीक से तैयारी करो, प्रपोजल एकदम जेन्युइन और कन्विंसिंग लगना चाहिए। आज पूरी शाम तुम अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है? लेकिन मैडम सर किसको प्रपोज करना और कहां करना है? शिवानी को, वहां जहां संतोष उसे ट्रेनिंग दे रही है। ठीक है, प्रेस्टिक करते हैं। लूज करो बॉडी, जंप, एक्सरसाइज, डाउन, लेफ्ट, संतोष जी। चीते तू यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या हुलिया बना के रखा है? मैडम सर ने जॉब से निकाल दिया क्या? नहीं संतोष जी, ऐसा नहीं है संतोष जी, हम यहाँ पर एक्सरसाइज सीखने आए हैं। वो क्या है ना कि किसी से दूर रहना बड़ा कठिन हो रहा था हमारे। सुधरेगा नहीं ना चीते? संतु जी हमको भी इनकी तरह ऐसे 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 एक्सरसाइज वगैरह सिखाइए ना, हमको भी कसरत वगैरह करवाइए, भाई आप गुरु हैं, हमको ट्रेनिंग दीजिए, हमको भी ट्रेनिंग चाहिए। हाँ। अच्छा तो गुरु जैसा बोल रहा है ना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर, इस तरफ आ जा चीते। नहीं नहीं संतु जी, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है एकदम, देखिए ना, देखिए एकदम, सिखाइए हमको यहीं पे, कम्फर्टेबल है बहुत ज्यादा। ठीक है शिवानी आप यहाँ आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, back straight and down, interval interval 2 minutes ka sab santu ji mar jayenge। संतु जी समझ में नहीं आ रहा कि दर्द में बॉडी हो रहा है कि बॉडी में दर्द हो रहा है, हमको 2 मिनट का इंटरवल दे दीजिए फिर हम। चीते पानी की बोतल लेकर आ रही हूँ, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक ठीक, मैं पानी की बोतल आता हूँ। सर उठाइए उठाइए। तो एक्सरसाइज तो बहाना था, असली मकसद हमारा ना आपसे बतियाना था। जब ऐसे हम आपको आपको पहली बार देखे ना, तो हमको ऐसा लगा जैसे
इसे खिलता गुलाब, एक 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 शायर का ख्वाब, एक उजला हिरन, एक एक वन में किरण। और देखे चीता जी, गाना मुझे याद है, आप कहना क्या चाहते हो बोलिए ना। हम ही कहना चाह रहे हैं कि आपको जब हम पहली बार इसे देखे थे ना, तो हमको हमारे अम्मा का याद आ गया था। मुझे देख के आपको आपकी अम्मा याद आ गई। हमारी अम्मा ना हमको बोला करती थी, बोलती थी कि बेटा चीतेश्वर, चितेश्वर, चीतेश्वर, चीता, हम चीता का फुल फॉर्म चीतेश्वर। तो हमारी अम्मा कहती थी कि बेटा ये दुनिया में ना सभी इंसान के लिए एक ना एक लड़की बनी है, और जिस दिन वो लड़की तुम्हारे सामने आएगी ना, इसे तुमको ऐसा लगेगा कि एक सुंदर सा मोती ना खन से करके तुम्हारे सामने इसे गिर गया है। कल जब हम आपको पहला बार इसे देखे थे ना, तो हमको लगा कि वही मोती जो अम्मा हमको बताई थी हमारे सामने इसे गिर गया है, मोती, और वो भी खन्न से। शिवानी जी, हम ना सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमको ना मन ही मन ना आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गया है। शिवानी जी, हम ना आपको इसे अपना 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 जीवन संगी, ऐसे एकदम मतलब धर्म पत्नी होता है ना मंगलसूत्र बांध के, वो बनाना चाहते हैं। आप तैयार हैं? आज तेरी हरियाली नहीं निकाली ना चीते, तो मेरा नाम भी संतोष शर्मा नहीं।